हेलो एवरीवन पेपर सॉल्यूशंस में पेपर वन में जो क्वेश्चन आए थे सारे के सारे हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड एल्काइल हेलाइट के थे एक एक करके यदि डिस्कस करें तो थर्ड क्वेश्चन जो था विच शो फास्टेस्ट रिएक्शन विथ एन अब सारे के सारे कंपाउंड एरइल हेलाइट्स हैं और एन एक न्यूक्लियोफाइल हुआ इसका मतलब जो रिएक्शन होगा वो ए आर रिएक्शन होगा राइट और थ्योरी में हमने ये स्टडी किया था कि aryl halides आर लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स towards ए आर एस एंड टू रिएक्शन ड्यू टू रेजुनेंस ऑफ दैट लिविंग ग्रुप हेलोजन तब हमने वहाँ पे ये स्टडी किया था कि यदि ऑर्थोपैरा पे प्रजेंस ऑफ ई डब्ल्यू जी रहेगा तो रिएक्टिविटी increases क्यों क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है इज डेवलप्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस तो यहाँ पर ऑप्शन uh, बी और डी में ज़्यादा एन है क्योंकि दोनों में डबल डबल ई है इसका मतलब बी और डी का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा अब बी और डी में रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा रहेगा यही इम्पॉर्टेंट बात थी तो आंसर होगा डी क्यों क्योंकि हमने ये थ्योरी में पढ़ रखा है कि नॉर्मली एरय हेलाइट के अलावा तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि एल्काइल आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिड देन ब्रोमाइड्स देन क्लोराइड्स देन फ्लोराइड्स बट इन केस ऑफ एराइल हेलाइट्स अमाउंट ऑफ डेल्टा प्लस चार्ज डिसाइड्स राइट एट कार्बन एट विच हेलोजन इज प्रजेंट तो फ्लोरीन के कारण डेवलप होने वाला डेल्टा प्लस चार्ज मैक्सिमम होता है इसलिए न्यूक्फाइल का अटैक ज़्यादा होगा इसलिए फ्लोराइड्स का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हमें बोलना था इसलिए आंसर था डी ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन था नंबर इलेवन नंबर इलेवन में स्टेटमेंट्स करेक्ट बताने थे और यहाँ पर एक ईथर दिया हुआ है और एच से रिएक्ट कराया है अब जी का क्वेश्चन है और यदि मैं एच प्लस और बी आर माइनस में डिसोसिएट करूं तो कोई भी थर क्या रहेगा न्यूक्लियोफाइल रहेगा और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल एच प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यदि एच प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसका मतलब प्रोटोनेशन हो गया प्रोटोनेशन से होगा ये कि ऑक्सीजन पर डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज क्यों क्योंकि उस पर पहले न्यूट्रल था दो लोन पेयर थे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसलिए और यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाइए अब यहाँ पर यदि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता तो पॉजिटिव चार्ज जब जब इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे आता है वो क्या करता है बॉन्ड पेयर को अपना लोन पेयर बना लेता है लेकिन दोनों साइड बनने वाले कार्बोकेटाइन है अनस्टेबल लेफ्ट में जो बन रहा है दैट इज फेनाइलिक और राइट में जो बन रहा है मिथाइलिक इसका मतलब लोन पेयर बनाना पेयर को लोन पेयर बनाना स्लो प्रोसेस होगा और इसी कारण से जब डेल्टा प्लस डेवलप होगा तो जो प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल है उसका कोलिजन पहले ही हो जाएगा और डेल्टा प्लस कहाँ पर है फिनाइल ग्रुप तो लीस्ट रिएक्टिव होता है इसीलिए लिए यहाँ पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड पेयर हटा दिया जाएगा ऐसा और ये प्रोसेस कार्बोकेटाइन बना के हमने क्यों नहीं किया क्योंकि बनने वाला कार्बोकेटाइन था लेस स्टेबल और जितना कम स्टेबल इंटरमीडिएट रहेगा उतना डिफ़िकल्टी से उतना टाइम लेकर बनेगा इसका मतलब एक प्रोडक्ट ये बनेगा और एक प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज सी एस थ्री बी आर अब हमें स्टेटमेंट पढ़ने हैं एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट इज एल्कोहल रॉन्ग वो एल्कोहल नहीं वो फिनॉल है एटलीस्ट वन प्रोडक्ट इज एल्क लाइट करेक्ट सी एस थ्री बी आर बनाना मोर देन टू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज ऑपटेन रॉन्ग ओनली टू प्रोडक्ट्स आर ऑप्टेंड मोर देन टू लिखा हुआ है ना डी रिएक्शन फॉलोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेक्ट और यदि एग्जैक्ट बोलूँ तो ये मैकेनिज़म कौन सा है एस टू क्यों क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बना इसलिए इसलिए आंसर क्या था इसका इसका आंसर था बी एंड डी क्लियर तो इलेवेंथ का आंसर था बी एंड डी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं ट्वेल्थ पे और ट्वेल्थ क्वेश्चन में रिएजेंट पूछा हुआ है कन्वर्जन के बाद यहाँ पे कीटोन बनेगा और ये स्ट्रक्चर ऐसा है और हमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है और ऑक्सीडेशन में होता है तो ओजोनोलाइसिस तो सबसे पहला ऑप्शन है जो आप आसानी से पहचान गए होगे ठीक है ना ओजोनोलाइसिस तो है यहाँ पर एक और ऑप्शन है बी हॉट के फोर क्यों क्योंकि हॉट एनी रिएजेंट एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेन यूज एट हाई टेम्परेचर बिहेव्स लाइक ए स्ट्रॉग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये भी क्या करेगा फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन कीटोन्स कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज सी एच टू वाले पोर्शन से जो फॉर्मेल्टी बनेगा उसको वो सी टू एच टू में कन्वर्ट करेगा वो क्वेश्चन में नहीं पूछा है अच्छा इसका आंसर है बी एंड सी राइट अब डाउट ये है कि ए एंड डी क्यों नहीं है तो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं ए इसलिए नहीं है क्योंकि वो परॉक्सी एसिड है वो इपॉक्साइड बनाता है राइट right? इपॉक्सीडेशन करता है कोल्ड के एम ये डायोल बनाता है सिज डायोल बियर्स रिएजेंट बोलते थे हाइड्रॉक्सीडेशन करता है इसलिए आंसर क्या है बी एंड सी है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने में पूछा है नंबर थर्ड में कि कंपाउंड which शोज higher रेट ऑफ electrophilic सबस्टिट्यूशन रिएक्शन than बेंजीन अब बेंजीन हमने जो जी ओ सी में स्टडी किया था कि वेन ई आर जी इज प्रेजेंट एट बेंजीन रिंग दैट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेज रिएक्टिविटी मेक्स द कंपाउंड मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टूवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोफाइल अच्छा ई डब्ल्यू जी में हम क्या बोलते थे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब मेक्स द कंपाउंड लेस रिएक्टिव देन बेंजीन रिंग दैट इज़ रीएक्टिवेटिंग ग्रुप अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पहचानना है तो टॉलीविन में सी एस थ्री होता है यहाँ पर ग्रुप लिख देता हूँ सी एस थ्री है ये ई आर जी है इसलिए टॉलीविन है कन्फ्यूजिंग स्टाइरीन है स्टाइरीन का हो सकता है स्ट्रक्चर ही ना आइडिया हो तो स्टायरीन का जो स्ट्रक्चर होता है स्टाइरिन है सी सिक्स एच फाइव और यहाँ पर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू और यदि आपको याद हो तो ये विनाइल और फिनाइल दोनों का हमने प्लस एम बोला और एक्टिवेटिंग में लिखा हुआ है अब तुम तो बोलोगे नहीं मल्टीपल बॉन्ड है तो डीएक्टिवेटिंग होना चाहिए तो गलत डेल्टा प्लस चार्ज विथ मल्टीपल बॉन्ड वो डीएक्टिवेटिंग होता है तो इसके मिस होने के चांसेस ज़्यादा थे ये सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट था क्लोरोबेंजीन जानते हैं और तो डायरेक्टिंग है लेकिन डीएक्टिवेटिंग है क्योंकि सी एल ई डब्ल्यू जी है ओवरऑल माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम एसिटैनीलाइट का स्ट्रक्चर हो सकता है मिस हो जाए आपसे और ये यदि नहीं आ कॉमन नेमिंग में है ये सब तो एसिटेनीलाइट का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग और यहाँ पर होता है एन और ये हमने कब पढ़ा था जब हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या ए आर रिएक्शन पढ़ा और हमने बोला कि एनिलीन की कंट्रोल्ड ए आर कैसे करते हैं तभी तो हमने एन में भी बना हुआ देखा था और हमने कॉपी में थ्योरी में भी बताया है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है मॉडरेट ई है ये इसका मतलब ये एक्टिवेटिंग है इसलिए फोर्थ भी काउंट होगा एसिटोफिन सी ये ई है ये नहीं होगा जाइलिन सी एस थ्री एंड सी एस थ्री ई आर जी है फिनॉल में ओ एच ई आर जी है एनीसॉल एनीसॉल इज सी सिक्स एच फाइव ओ सी एस थ्री बेंजीन पे ओ सी एस थ्री रहेगा मतलब ये एक्टिवेटिंग है एनिलीन एक्टिवेटिंग है बेंजोइक एसिड डीएक्टिवेटिंग है इसका मतलब टोटल हमें काउंट करके बताना है तो टोटल काउंट कर देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड टोटल सेवन टोटल सेवन कंपाउंड ऐसे हैं जो बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे ठीक नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नंबर फोर अच्छा क्वेश्चन था और नंबर फोर में ये पूछा गया है पहले तो कि सी ओ टू जितना रिलीज होगा वो एक्स काउंट करना है और फिर टोटल एच टू जितना यूज़ होगा वो वाई है तो सबसे पहले तो ये वाई कन्फर्म कर लेते हैं कि एक डबल बॉन्ड में प्लस वन एच टू होता है तो टोटल डबल बॉन्ड कितना है थ्री प्लस टू फाइव प्लस एट मतलब ये वाई का वैल्यू हो गया ये तो हो गया एट सारा खेल था एक्स का वैल्यू पता करने का तब तो हम एक्स माइनस वाई काउंट कर पाएंगे तो कहाँ तक आपसे बन गया होगा ओजोन के साथ जिंक नहीं लिखा मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनालाइसिस है इसका मतलब यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड के बाद फॉर्मिक एसिड के बाद सी ओ टू एच टू बनेगा तो जब मैं ये टर्मिनल एल्किन को कट करूंगा तो इतने सी बनेंगे ये तो आपसे बन गया होगा तो टोटल कितने आ गए टोटल सिक्स प्लस टू एट सी तो आपसे बन गए होंगे अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहाँ से होता है तो एक बार वापस से स्ट्रक्चर देखते हैं ये सी निकालने के बाद मतलब ओजनोलाइसिस के बाद जो बनेगा यहाँ पर कीटोन यहाँ पर कीटोन और यहाँ पर ऑक्सीडेटिव है इसलिए सी ओ एच यहाँ पर कीटोन और यहाँ पर जो बनेगा दैट इज़ सी ओ एच यहाँ पर जो बनेगा दैट इज़ सी ओ एच यहाँ पर बनेगा कीटोन और यहाँ पर जो बनेगा वो सी ओ एच अब ये इंपॉर्टेंट याद आना चाहिए जो हमने थियोरेटिकल एल्केन में हमने पढ़ा था डिकार्बोक्सिलेशन में बीटा कीटो एसिड्स बीटा कीटो एसिड्स कैन बी डिकारबोक्सुलेटेड मोस्ट इजीली, अपने सिलेबस में तो बेस्ट है ये और उसका स्ट्रक्चर हम लिखते थे ऐसा और इसके लिए रिजन रिक्वायर्ड नहीं होता हीट करेंगे थोड़ा भी तो इसमें से सी रिमूव हो जाता है और सी रिमूव होने के बाद जो बनेगा वो बनेगा आठ इसका मतलब ध्यान से देखें स्ट्रक्चर तो ये बीटा की किटो एसिड बहुत सारे हैं तो ये बीटा कीटो एसिड है तो यहाँ से एक सी जाएगा इसके बीटा पे ये वाला है ये वाला बीटा कीटो एसिड है इसके बीटा पोजिशन पर ये वाला है इसके बीटा पोजिशन पर ये वाला है इसके बीटा पोजिशन पर ये वाला है तो टोटल एट पहले थे फोर ये इसका मतलब x कितना हुआ एट प्लस फोर इज इक्वल टू कितना हो गया ट्वेल्व हो गया अब ट्वेल्व माइनस एट कितना हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो गया इज इक्वल टू हो गया फोर तो इसका आंसर था फोर ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था क्योंकि इसमें बीटा की टू इटि एक बार में क्लिक नहीं करता इसलिए ये पेपर वन के आंसर्स थे पेपर टू पे चलते हैं पेपर टू में क्वेश्चन नंबर थ्री से स्टार्ट था क्वेश्चन नंबर थ्री में यहाँ पर टी एस सी एल था लास्ट क्लास में किसी ने पूछा भी था व्हाट इज़ टी एस तो मैंने बोला था टोसाइल इन केस टी एस समझ में नहीं भी आता शॉर्ट फॉर्म तो हमने इतना तो पढ़ रखा है कि जो सी एल होता है ये होता है लिविंग ग्रुप ये सी एल क्या है ये सी एल है लिविंग ग्रुप और एल्कोहल किस टाइप का न्यूक्लियोफाइल होता है एल्कोहल होता है एन यू एच टाइप न्यूक्लियोफाइल एन यू एच टाइप का मतलब एच हटा लूँ और निगेटिव लगा लूँ और आंसर डायरेक्ट बना लूँ आप तो यहाँ पर जब मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा तो मैंने टोटल चार कार्बन लिखे और यहाँ पर जो ऐसा था आउटवर्ड द प्लेन इस पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर और यहाँ का एच के तो ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है ये इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा ऐसे यूज़ करूँगा और यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या है लिविंग ग्रुप है सी अब मुझे नहीं मालूम कि टी एक्चुअली है क्या होगा कोई मिथाइल इथाइल टोसाइल बोल रहा हूँ वैसे तो लेकिन यदि नहीं भी क्लिक करता तो कोई ग्रुप मान लेते तो ये तो लिविंग ग्रुप है और यदि ये लिविंग ग्रुप है तो यहां पे एग्जैक्ट स्ट्रक्चर लिखूं जैसा क्वेश्चन में गिवन है तो यहां पर जो बनेगा ऑक्सीजन और यहां पर क्या लग जाएगा टीएस अब यहां पर एनए सी एन से रिएक्ट कराया एनए सी एन का मतलब एनए प्लस सी एन माइनस मेटल ऑलवेज रिमेन्स इन डिसोसिएटेड फॉर्म इंपॉर्टेंट है डायमेमाइड इनर्ट सॉल्वेंट इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब है एसन टू और एस एन टू का मतलब वर्ल्डन इन्वर्जन टेक्स प्लेस अब यहाँ पे वर्ल्डन इन्वर्जन अब यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है वो क्या बनेगा ओ टीएस या लिविंग ग्रुप बनेगा भाई लिविंग ग्रुप मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट तो यहाँ पर जब जो न्यूक्लियोफाइल लगेगा वो कहाँ लगेगा अपोजिट साइड से मतलब इनवर्ट द प्लेन लगेगा इनवर्ट द प्लेन लगने का मतलब जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा सी क्लियर है क्योंकि आउटवर्ड द प्लेन था लिविंग ग्रुप तो यहाँ पे क्या लगा इनवर्ड द प्लेन लगा इसलिए इसलिए आंसर क्या लिखा हुआ है सी लिखा हुआ है क्लियर है फिर नेक्स्ट जो है फॉर्जीन सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फॉजीन फोजीन ये धीरे धीरे जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन है जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करते हैं तब बनता है सी ओ सी एल टू इज फॉरजीन और थ्योरी बेस्ड है प्योर फॉरजीन इज नॉन इन ठीक है याद ही रखना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं नेक्स्ट पेज में इसमें है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में यदि मैं देखूं तो पूछा भी विजअ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन ए आर एस सी वेन गिवन ग्रुप्स आर अटैच टू रिंग ठीक है एनओ टू इज ए मेटर डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिविटिंग ग्रुप करेक्ट क्लोरिन इज मेटर डायरेक्टिंग रॉन्ग हेलोजेंस और तो पैरा डायरेक्टिंग है बट डिएक्टिविटिंग ओ एम इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप करेक्ट सी एस थ्री इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप करेक्ट ड्यू टू प्लस एच एंड प्लस आई इफेक्ट याद नंबर थर्टीन तो इसका आंसर क्या हो गया इसका आंसर है ए सी एंड डी नंबर थर्टीन विच कंपाउंड रिक्वायर्ड टू इक्विवेलेंट फॉर कम्प्लीट रिएक्शन कम्प्लीट रिएक्शन तो सी एस थ्री माइनस का प्रायोरिटी हमने एल्केन से पढ़ रहे हैं कि आर एम जी एक्स एन ऑर्गनमेटलिक कंपाउंड इज ए ऑलवेज ए सोर्स ऑफ आर माइनस दैट इज़ ए वेरी स्ट्रांग बेस एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज रिएक्ट विथ एसिडिक एच फर्स्ट तो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है एसिड बेस रिएक्शन सेकेंड प्रायोरिटी होता है सब्स्टिट्यूशन थर्ड प्रायोरिटी होता है एडिशन तो so, केवल दो रिक्वायरमेंट कहाँ पर होगा तो so, एक एक करके बात कर लेते हैं सबसे पहले एच ए में देखते हैं ए में देखें तो ए में यहाँ पर सी एस थ्री माइनस अटैक करेगा और इस एसिडिक एच को रिमूव करेगा डन सेकेंड सी एस थ्री माइनस अटैक करेगा और यहाँ पर एडिशन हो जाएगा सब्सिट्यूशन के लिए है नहीं इसका मतलब इसमें दो मॉलिक्यूल यूज़ होंगे राइट बी ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पर एसिडिक एच है रिएक्ट करेगा यहाँ पर एसिडिकच है रिएक्ट करेगा बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर लिविंग ग्रुप ये है यहाँ पर लिविंग ग्रुप ये है तो दो बार तो सब्सटीट्यूशन होगा थर्ड टाइम एडिशन होगा इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है यहाँ पर यहाँ पर तो रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर एसिड इकैच ही नहीं है और एडिशन ही नहीं है इसलिए यहाँ का आंसर जो होगा दैट इज़ ए एंड बी क्लियर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज लास्ट पेज था ये और यहाँ पे पूछा गया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सेम क्वेश्चन सी एस थ्री माइनस और हमने क्या बोला कि सबसे पहले होता है एसिड बेस उसके बाद होता है सब्स्टिट्यूशन और उसके बाद होता है एडिशन तो सबसे पहले हम एसिड बेस की बात करें तो एक कैच ये वाला है ये जाएगा यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो जाएगा क्योंकि एर एल नहीं है थर्ड यहाँ पर यूज़ होगा ये एसिडिकच है फोर्थ यहाँ पे लिविंग ग्रुप को निकालने में यूज़ होगा और फिफ्थ यहाँ पे एडिशन में यूज़ होगा यहाँ पर सिक्स्थ यूज़ होगा एडिशन में और यहाँ पे सेवेंथ यूज़ होगा सब्सटीट्यूशन में ठीक है ना लेकिन जो मिस हो जाता है वो ये कि यदि सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये वाला पोर्शन अलग होगा ना और ये वाला पोर्शन अलग होगा तो ये सी एस थी माइनस के अटैक के कारण क्या बनेगा सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री तो यहाँ पर भी तो सी एस थ्री माइनस का अटैक होगा इसका मतलब एट्थ जो सी एस थ्री एम जी बी आर है वो यहाँ पर यूज होगा इसलिए इसका टोटल आंसर कितना था एट यदि ये मिस हो जाएगा तो फिर आंसर सेवन आया होगा ठीक है ना तो ये क्वेश्चन थे ईजी थे कुछ ट्रिकी जरूर थे मिस्टेक होने के चांसेस थे लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि बढ़िया स्कोर किया होगा थैंक यू